بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع آباءكم قد دللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فرمایا میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جن چیزوں یا جن ہستیوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ مجھے میرے پروردگار نے اس سے روک دیا ہے اور انہیں یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا اگر میں بھی ایسا کروں تو یہ گمراہی ہو اور ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح روشن راستے پر ہوں اور تم اس راستے کا اس کی حقانیت کا انکار کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ جب ہم آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ بت پرستی پر شرک پر کفر پر عذاب ہوگا تو پھر وہ عذاب لائیے تو عذاب دینا یہ میرا منصب نہیں ہے ثواب و عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی پر عذاب بھیج دوں یہ میرا منصب نہیں ہے اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا حکم ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے وہ کسی کو عذاب دے نجات دے بخشے نہ بخشے اس کا اپنا فیصلہ ہے یقص الحق وهو خیر الفاصلین وہ حق کو واضح فرماتا ہے اور یہ اسی کی شان کے سزاوار ہے کہ وہ فیصلے کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو تمہیں جس قدر جلدی پڑی ہوئی ہے اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا لیکن یاد رکھو اللہ غلط کاروں کو خوب جانتا ہے وہ خود فیصلہ فرمائے گا یہ سادہ سا بامحاورہ ترجمہ ہے ان آیات مبارکہ کا انسان اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے بہت بڑا شاہکار ہے اس کی صنعت کا اس نے بے شمار مخلوق بنائی ہے لیکن ان سب میں انسان ایک بے مثال مخلوق ہے اور بڑی عجیب بات ہے ہم کو روئے زمین پہ جتنی مخلوق نظر آتی ہے وہ ساری
एक इस इंसान की खादिम है, अगरचे ये भी मखलूक है लेकिन सारी इसके काम आती है। वखलक लकुम मा फिल अर्द जमीया, रूए ज़मीन पर जो कुछ है वो तुम्हारी खातर पैदा किया गया है, तुम्हारे काम आती है, तुम्हारी खिदमत करती है। इंसान के अंदर तख्लीकी तौर पर अल्लाह करीम ने एक शऊर आगही रख दी है, हर बंदे के अंदर, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसके अंदर एक बात है कि कोई ऐसी गैबी ताकत होनी चाहिए जो मेरा तहफ़ करे, जो मेरी मुश्किलात दूर करे, जो मेरी ज़रूरतें पूरी करे। ये तलब हर इंसान के अंदर है। अब जब लोग गुमराह हुए और उनकी फिक्र बारगाह इलाही तक न पहुंची, तो उन्होंने मुख्तलिफ ज़ाहरी दुनियावी ताकतों को एक गैबी कुव्वत तसव्वुर करके अपनी ज़रूरतों के पूरा करने वाला बना लिया। यानी जहाँ अल्लाह का मनसब था, जहाँ अल्लाह का नाम होना चाहिए था, वहाँ उन्होंने मखलूक ही में से मुख्तलिफ को बिठा दिया और उनकी पूजा करने लगे। और एक बड़ी अजीब बात है कि आज तक जितनी तारीख है बुतपरस्ती की या कुफर की या शिर्क की, उसमें कोई ऐसी ताकत इंसान को तसव्वुर नहीं कर सका जो उसकी सारी मुसीबतें दूर करे। ये बड़ी अजीब बात। औलाद के लिए कोई और बुत है, भूख मिटाने के लिए कोई और ताकत है, बारिश बरसाने के लिए कोई और है, खेती उगाने के लिए कोई और है। तो हुजूर की बेसत आलिया से पहले ऐद फतरत में, जबकि दीन का कोई पता नहीं चलता था, तब भी ऐसे लोग थे जिन पर अल्लाह का ये कर्म था कि वो इस फलसफे को नहीं मानते थे। खुद मक्का मुकरमा में एक शख्स थे, जैद बिन अमर बिन नुफैल। वो कहते थे, यार ये बात मेरी समझ में नहीं आती, अरबम वाहिदन्नम अल्फरबिन, कि खाले को मालिक और फारनहार कोई एक होगा, हजारों कैसे हो सकते हैं, फर्द एक है। अब उसकी ज़रूरियात बेशुमार हैं और हर ज़रूरत के लिए एक अलग खुदा बना लो तो वो तो सारे तो राज़ी करना मुश्किल है, उनमें इख्तिलाफ़ राय भी हो सकता है। कुरान करीम में आता है ना कि अल्लाह के अलावा को और भी माबूद होता तो वो आसमानों पर चढ़ दौड़ता और सारी हुकूमत फतह कर लेता। बादशाहों का तो ये मिजाज है, को चाहते हैं मैं ही रहूं, को और होता तो वो आसमानों पे चढ़ाई कर देता। तो हजरत जैद फरमाते थे, अरबम वाहिदन अमल फरबिन अदीनो इजा तो कस्मतिल उमूरु, ये कोई दीन है जब काम बांट दिए जाए तो आप किस किस को राजी करेंगे। कि कितनी ज़रूरियात हैं इंसानी, इतने बुत बना दो तो उनकी क्या ख्वाहिश है, वो किस बात पे राज़ी होते हैं, वो किस तरीके इबादत को चाहते हैं, वो क्या मुतालबा करते हैं, ये तो मुश्किल है। वो कहने लगे, न ये दीन बनता है और न ये रबूबियत का तसव्वुर सही है। फिर कहते थे, तरक्तुल्लात वल उज्जा जमिया, मैं लात और उज्जा सबको छोड़ता हूँ। कज़ालिका यफ़अलुर रजुलुल बसीरु, जिस बंदे को अल्लाह ने बसीरत दी वो ऐसा ही करेगा। कि ये कोई दीन नहीं है। तो ये एक अजीब सा उलझा हुआ मसला है कि इंसान जब अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है और अपनी ख्वाहिश से उम्मीदें वाबस्ता कर, ये जरूरी नहीं कि बुतों से हों, ये अफराद से भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ ज़राए से भी हो सकती हैं। कुरान करीम फरमाते हैं ना, अफरायत मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु, आपने उन लोगों को देखा, उनका मुलाहज़ा फरमाया जो अपनी ख्वाहिशात की इबादत करते हैं।
अब ख्वाहिश को बुत बनाकर सामने कोई सजदा नहीं करता, लेकिन अमल ऐसा करता है जैसी उसकी ख्वाहिश व आरजू होती है। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं ये जो गैर मशरूत इताअत होती है यही इबादत होती है। तो जब वो गैर मशरूत इताअत ख्वाहिश व आरजू की तो उसे माबूद बना लिया। तो बड़ी खूबसूरत बात की कुरान करीम ने, और अल्लाह का कलाम है, कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, बादशाहों का कलाम कलाम का बादशाह हुआ करता है। अल्लाह वाहिदुला शरीक है, उसका कलाम बादशाह है कलामों का। खूबसूरत सी बात, छोटी सी बात में सारा झगड़ा ख़त्म कर दिया। फरमाया मेरे हबीब ने बता दीजिए, इन्नी नुहीतु अनाबुदल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, एक नहीं दो नहीं दस नहीं दस लाख नहीं, सिर्फ एक अल्लाह के अलावा जितनी हस्तियों से तुम उम्मीदें वाबस्ता करके उनकी पूजा करते हो मुझे अल्लाह ने उससे रोक दिया, मैं उनमें से किसी को परे का हैसियत नहीं देता, उनकी कोई हैसियत नहीं। भाई जो कुछ हमने बनाया था, जो कुछ इंसानों ने सोचा था, जो कुछ मज़ाहिब बंदों ने ईजाद किए थे, उनका तो आप सल्लम ने इनकार कर दिया, तो फिर होगा क्या? आप किसी भी रास्ते पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा? फरमाया इन्हें साथ ही ये भी बता दीजिए कि इन्नी अला बय्यनतिन मिन रब्बी, मुझे मेरे रब ने रोशन और वाज़े रास्ता बता दिया है, मैं तुम्हारी तरह गुम करदा रहा नहीं हूं। तुम गुम करदा रहा लोग हो, और ये जो तुमने फलासफी ईजाद की है, कद्दललतुइज्म माना मिनल मोतदीन, अगर ये तुम्हारी फलासफी, मैं जो खातिमुलंबिया हूँ, जो इमामुलंबिया हूँ, जो मखलूक में बेमिसल व बेमिसाल हूँ, अल्लाह का नबी अल्लाह का रसूल हूँ, अगर तुम्हारी बात मैं भी मान लूँ तो ये गलत होगा। क्योंकि गलत को सही नहीं किया जा सकता, उसे कोई बड़ी से बड़ी हस्ती मान ले तो वो सही नहीं हो जाता, गलत गलत ही रहता। ये तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी ईजाद, ये सब गलत है। और जैसा कि तुम जोर लगाते हो कि जी आप हमारी बात माने, तो अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो फिर भी ये बात गलत ही होगी, मेरे मानने से सही नहीं हो जाएगी, तो मैं क्यों मानूँ? और फिर मुझे मेरे परवरदिगार ने तुम्हारी इन खराफात को मानने से रोक दिया, लिहाजा मुझसे कभी न ये मुतालबा करो न ये उम्मीद रखो। अब सवाल रहा ये कि दुनिया के बेशुमार मज़ाहिब हैं, लोगों के बेशुमार नज़रियात हैं, लोगों के बेशुमार रवैये हैं, तरीके इबादत हैं, उन सबको आपने रद्द फरमा दिए, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे हबीब ने ये बता दीजिए कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ से वाज़े और रोशन रास्ते पर, ऐसा रास्ता जिसमें कोई गलतफहमी नहीं है, जिसके लिए दलाइल व बराहीन मौजूद हैं, और जिसकी सदाकत में कोई शुबा करने की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी बदकिस्मती यह है, तुम उलझे हुए इसलिए हो, वकज़्ज़ब तुम बिह, तुम उसका इनकार करते। मुसीबत यह है तुम्हारे लिए कि तुम हक का इनकार कर रहे हो। अब जब हक का कोई इनकार करेगा तो ना हक की कोई हद नहीं है, कोई ना हक का कोई एक रवैया नहीं होता, ना हक को कभी किसी एक बात पे इत्तेफाक नहीं होता, लिहाजा तुम्हारी इबादात भी मुंतशर हैं, तुम्हारे माबूद भी मुख्तलिफ हैं, तुम्हारी सोच और फिक्र में भी इंतशार है, और तुम्हारे माशरा इंतशार का शिकार है। हम एक रवैये का शिकार हो चुके हैं, बावजूद अल्लाह का हम पर एहसान है कि हम मुसलमान हैं, इसके बावजूद हम एक रवैये का शिकार हो चुके हैं कि जो आयत
कुफ्र शिर्क की नफ़ी करती है उसे हम वहाँ चस्पा कर देते हैं अहद नबुव्वत के काफ़रों और मुशरकीन पर। और जो आयत नेकी या भलाई का या नेक लोगों की अज़मत का ज़िक्र करती है उसे हम सहाबा कराम पर चस्पा कर ख़ुद को अलग कर लेते हैं। याद रखें कुरान किसी एक ज़माने के लिए नहीं है, ये हक है कि जब आयात नाजिल हुई तो इसकी मिसाल वो काफिर थे और इसके हक्कानियत को मानने वालों की मिसाल साहबे कराम थे, ये दुरुस्त। लेकिन क्या कुरान का इरशाद वहाँ ख़त्म हो गया? नहीं, ये क़यामत तक आने वाली इंसानियत की रहनुमाई के लिए है। आज भी जो अपनी उम्मीदें अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से वाबस्ता करेगा, वो अपना नाम मुसलमान रख ले, अपना नाम दीन मोहम्मद रख ले, अपना नाम नूर मोहम्मद रख ले या अपना नाम किसी हिंदू सा रख ले, बात उस रवैये पे होगी कि उसकी उम्मीद क्या अल्लाह से वाबस्ता है या गैरुल्लाह से वाबस्ता। जब उम्मीद अल्लाह करीम से वाबस्ता होती है तो जो मरकज़ उम्मीद होता है उसे कोई उम्मीदवार छोड़ना नहीं चाहता, ये तय है। जो भी हस्ती मरकज़ उम्मीद होती है उम्मीद रखने वाला उससे बिगाड़ना नहीं चाहता, उसे छोड़ना नहीं चाहता, कोई ऐसा काम नहीं करता कि उम्मीद की रस्सी हाथ से छूट जाए। आज अगर हमारी उम्मीदें रब्बुल आलमीन से वाबस्ता हों तो माशरे में जरायम की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, एक दूसरे के पांव खींचने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, एक दूसरे को नीचा दिखाने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, एक दूसरे के वसाइल पे कब्जा करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, एक दूसरे को कत्ल करने और तबाह करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अगर मुल्क में दहशतगर्दी है, अगर मुल्क में चोर बाजारी है, अगर मुल्क में नाइंसाफ़ी है, अगर मुल्क में बदअमनी है तो इसका मतलब ये है कि हमने अजमत इलाही से मुंह फेर कर मुख्तलिफ चीज़ों ख्वाहिशात से अपनी उम्मीदों को वाबस्ता कर लिया। बीमारी होती है और हर बीमारी का इलाज होता है। ये बदमनी, ये दहशतगर्दी, ये लूटमार, ये नाइंसाफ़ी, ये माशरे की सबसे ख़तरनाक बीमारी है। जिस तरह आप कहते हैं किसी को हार्ट पेशेंट हो गया या उसको कैंसर हो गया, ये माशरे का कैंसर है। अब मुआलिज जब इलाज करता है तो इलाज ये होता है कि जो वजह है उस बीमारी की, जिस वजह से वो बीमारी फल फूल रही है, उस वजह को रोका जाए, उस वजह को ख़त्म किया जाए ताकि बीमारी ख़त्म हो जाए। हमारे यहाँ इलाज उल्टा है। हमने सोचा ये है कि दहशतगर्दी हो रही है तो दहशतगर्दों को कत्ल कर दो, शायद ये फौरी इलाज तो हो, लेकिन अफराद तो कत्ल हो जाएंगे, अफकार को कौन कत्ल करेगा? ये जो फिक्र बन गई है कि जिसके पास कुछ है उससे छीन लो, छीन नहीं सकते तो उसको कत्ल कर दो, आप बंदे तो मार देंगे। वो एक मशायरा हो रहा था कराची, मैं भी उसमें था, तो एक दोस्त शायर थे सहर अंसारी, उन्होंने एक गज़ल पढ़ी, उसका एक शेर था कि नए दस्तूर हैं नए ज़माने के लिए, नए दस्तूर हैं नए ज़माने के लिए, आग ही लाई गई आग बुझाने के लिए। यानी जो लोग कत्लो गारतगरी कर रहे हैं उन्हें कत्ल कर दो, भी जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई फिक्र है, कोई उनकी ऐसी तरबियत है, कोई उनकी ऐसी सोच है कि हमें तो मिलता नहीं, जिनके पास है उन्हें कत्ल कर दो।
आप अफराद तो कत्ल करेंगे, इस फिक्र को कौन कत्ल करेगा? सबब तो ये फिक्र है ना दहशतगर्दी का, तो इस सोच को इस फिक्र को आप कत्ल कर सकते हैं तालीमात कुरान को बढ़ाकर, मोहम्मद रसूलल्लाह के इरशादात को बढ़ाकर, अल्लाह की तालीमात को बढ़ाकर। आप अपने निसाब में, अपनी दरसी किताबों में, अपने अफकार में, अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में ज़्यादा से ज़्यादा दीनी बातों को फैलाएं, बच्चों को पढ़ाएं। एक वक्त आए कि आने वाली नस्ल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमन की अमीन बन जाए। लेकिन यहाँ तो जनाब काम ही उल्टा है कि जिसने मारा है उसे मार दो, जिस जो नहीं पकड़ाता उसे छोड़ दो, वो फिर किसी को मारेगा पकड़ा जाएगा, कमाल। तो कुरान करीम हर अहद के इंसान को मुखातिब करता है, आज वो हमसे बात कर रहा है, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातिब हम भी हैं और सारे अहले जहान भी हैं। आज जो आया करीमा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आज इसके मुखातिब मुशरकीन मक्का या अरब नहीं है, उस वक्त मुखातिब वो थे, आज हम हैं। कुरान में दवाम है हमेशा के लिए है, आज हमसे बात कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बहुक्म इलाही हमें बता रहे हैं कि लोगों तुमने जो ख्वाहिशात की पूजा शुरू कर दी है मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मुझे अल्लाह ने इससे रोक दिया, इसमें तुम तन्हा हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। और अगर इन तुम्हारी गलत हरकत की मैं भी ताईद करूं तो किसी बड़े से बड़ी हस्ती के ताईद करने से गलत काम दुरुस्त नहीं हो जाता, वो गलत गलत ही रहता। कोई बड़ी हस्ती उसकी ताईद करेगी तो वो भी गलती कर रही होगी। अब रही बात कि ये नहीं करना तो क्या करना है, फरमाया आओ मेरी बारगाह में, आओ मेरे पास आओ। कुल इन्नी अला बय्यनतिम मिन रब्बी, मेरे परवरदिगार ने मुझे रोशन वाज़े खूबसूरत रास्ता ज़िंदगी का, ईमान का, अकीदे का और अमल का बता दिया, मैं उसका अमीन हूँ, मुझसे पूछो, मुझसे सीखो, मेरा इत्तेबा करो। कुल इन्नी अला बय्यनतिम मिन रब्बी, मैं अपने परवरदिगार की तरफ से वासे रोशन मुदल्लल रास्ते पर हूँ, तुम्हारी मुसीबत यह है वकज़्ज़ब तुम बे, तुमने इसका इनकार कर दिया। जब हक को नहीं मानो, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक सीधी लकीर बनाई, बिल्कुल सीधी, फरमाया ये इस्लाम है, ये हक का रास्ता और ये बिल्कुल सीधा है। फिर बहुत से खतूत उसके साथ इस तरह दोनों तरफ निकाले, फरमाया ये बेशुमार रास्ते सारे गुमराही के। तो जब रास्ता एक होगा तो राह-रौ सारे एक जगह जमा नहीं हो जाएंगे, जब रास्ता एक होगा तो मंजिल एक होगी, जब मंजिल एक होगी तो चलने वाले कोशिश करेंगे मैं भी मंजिल पर पहुंचूं, ये मेरे साथ चलने वाले कमज़ोर पीछे न रह जाएं, इनकी भी मदद करूं, उनकी भी मदद करेगा, किसी का हाथ पकड़ेगा, किसी को पानी पिलाएगा। तो एक भाईचारा, एक रिश्तेदारी, एक ताल्लुक, एक मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब इसका तरीका ये है कि कुरान की तालीमात को, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाए। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि इल्ज़ाम हम पे ये आता है कि ये आज की तहजीब को 1400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं पत्थर के दौर में। अरे कमबख्तो,
उस दौर से निकाल कर इंसान को अल्लाह ने उन बुलंदियों पर पहुंचाया, इंसानी उन अजमतों पर पहुंचाया जिनके बाद उन अजमतों का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में जुल्म था, जोर व जफा थी, ना इंसाफी थी, कत्लो गारत गरी थी, गले कट रहे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की रहनुमाई ने कातिलों को आदिल बना दिया, चोरों को अपनी कमाई बांटने वाला बना दिया, अनपढ़ों और जाहिलों को दुनिया के पढ़े लिखों का पेशवा बना दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। ऐसा इनकलाब आया कि पूरी इंसानियत के लिए वो रहनुमा करार पाए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो नजर पाक ऐसी थी कि जो खुद रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके थे वो हयात बख्श मसीहा बन गए। आज किसकी नबुवत है? आज हम किसका कलमा पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही कलमा है जब हुजूर इस दारे दुनिया में तशरीफ फरमाते तो पढ़ा जाता था, जब हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो पढ़ा जाता था। वही कलमा है जो आज 15वीं सदी में भी पढ़ा जाता है कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज जो हम कलमा पढ़ते हैं यही है ना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये तो नहीं पढ़ते कि अल्लाह के रसूल थे और चले गए, ये तो नहीं पढ़ता कोई। तो अगर आज हुजूर ही रसूल हैं तो किसकी बात मानी जाए? ख्वाहिश नफ्स की, हुकूमत वक्त की, मुल्ला की, काजी की, या मोहम्मद रसूल? रसूल के होते हुए किसी दूसरे की बात नहीं मानी जाएगी। मुल्ला, काजी, पीर, फकीर, मुर्शद, नौकर हैं उस बारगाह के, उनका काम है वो हक पहुंचाएं जो मोहम्मद रसूल ने इरशाद फरमाया। जो ऐसा नहीं करता वो न मौलवी है, न पीर है, न किसी एहतराम का मुस्तहिक है, न उसकी अपनी कोई हैसियत है। लेकिन इसका क्या किया जाए कि मुल्क काफरों ने छीन लिया, गैर मुल्कियों ने छीन लिया, पूरे बड़े सगीर पर 150 साल वो काबिज रहे, 100 साल उन्होंने जम कर कल बंगाला से लेकर सरहद तक पूरे बड़े सगीर पर कश्मीर और दक्कन समेत हुकूमत की। अब बड़ी कोशिश की उन्होंने मुसलमानों को राह रास्त से हटाने की, निसाब दीनी मदारिस बंद कर दिए, दीनी निसाब जो था वो किताबों से निकाला। उस सब के बावजूद इतना कुछ बाकी रह गया था कि मुसलमान बच्चा कुछ ना कुछ सूझबूझ इस्लाम की उसे आ जाती थी। आज जो हुकूमत खुद को मुसलमान कहलाती है इसने वो रही सही कसर भी निकाल दी और निसाब से वो चीज़ें निकाल दी। काफिर का शिकवा तो करें, जो खुद को मुसलमान कहते हैं मर जाए तो शहीद हो जाते हैं, इन जालिमों का शिकायत किससे करें? इन्होंने तो आखिरत में कब्जा कर रखा है कि यहां भी हम ही ऐश करेंगे, वहां भी हम ही ऐश करेंगे। ये नया तसव्वुर दे दिया है। इतना नया ये भी नहीं, ये रुसाए मक्का भी कहते थे कि ये भूखे प्यासे चंद भिखमंगे मुसलमान हो गए हैं, ये इतने सही होते तो अल्लाह इनको दौलत देता, दौलत हमें दी हुई है, अगर कोई आखिरत है तो वहां भी हम ही ऐश करेंगे। वही अकीदा आज के बाइक्तदार और इक्तदार पे काबिज लोगों में लौट आया और ये समझते हैं कि ये दुनिया भी हमारी है और मर के भी हम ही शहीद होंगे, और हमें जो रास्ता जाते कत्ल हो जाए इनका वो भी शहीद, जो घर में आपस में लड़ पड़े को मारा जाए वो भी शहीद, आखिरत भी यही ले गए, दुनिया भी यही ले गए। इतना अंधेर अल्लाह की बारगाह में नहीं है। सो फरमाया बड़ी सीधी सी बात है
कि किसी खानदान की बात नहीं की, किसी कौम और नस्ल की बात नहीं की, किसी रंग की बात नहीं की, किसी जबान की बात नहीं की, बात इंसान की है। और फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अला बैनत मिन रब्बी, अल्लाह की तरफ से दिए हुए सीधे और रोशन रास्ते पर हूं, जिसके साथ दलायल हैं, जिसका हक होना साबित है। तो फिर अगर इतना रोशन और वाज़ह रास्ता हमारे पास है तो हम मार क्यों खा रहे हैं? काफ़र तो इनकार करके उन्होंने मार खाई, हम क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़बानी हम मानते हैं और अमलन हम भी वही काम कर रहे हैं जो काफ़र करते हैं? नतीजा तो काम पे मुरतब होगा ना। एक आदमी कहता है मैं शरबत पी रहा हूँ लेकिन पीता जहर है, तो असर जहर का होगा या शरबत का होगा? अमल का नतीजा निकलेगा ना। अगर जबानी हम कलमा पढ़ते रहे और अमलन किरदार वही हो जो उनका है जो कलमे से इनकार करते हैं, तो नताइज वही निकलेंगे। फरमा यहां तक तो मेरी जिम्मेदारी थी कि इन गलतियों, इन गुमराहियों, इन गलत रवैयों से रोक कर तुम्हें सही राह हिदायत तुम्हारे सामने रखो। अब तुमने शर्त आयत कर दी कि अल्लाह के रसूल हम आपकी बात नहीं मानते और आप जो कहते हैं जो आपको नहीं मानेंगे उस पर अजाब होगा, वो अजाब ले आए। फरमाया मा इंदी मा तस्ताजिलून बिह, तुम जिस अजाब की जल्दी कर रहे हो वो अजाब लाना मेरा काम नहीं है, फैसले मैंने नहीं करने, वो फैसले वो खुद करेगा और उसने तुम्हें मोहलत दी है, फुर्सत दी है, तुम्हारे पास वक्त है, तो इसे अल्लाह को चढ़ा चढ़ा कर ज़ाया न करो। ये वक़्त गुजर जाएगा और फैसले की घड़ी आ जाएगी, फिर क्या कर सको? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला करना सिर्फ अल्लाह को सदावार, वो मालिक है, वो फैसला करेगा। यकुसुल हक वह खैरुल फासिलीन, वो सीधी हक बात इरशाद फरमाता है और बेहतरीन फैसला करने वाला है। फैसला का वक्त आएगा तो फैसला हो जाएगा, उसकी जल्दी क्यों करते हो? कोई दलायल लाओ जो तुम करते हो उसकी, कोई तुम्हारे पास दलील है? अगर नहीं है तो अब वक्त है, मेरी बात मानो, मेरे इरशादात मानो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के इरशादात मानो। तो फरमाया ने यह भी फरमा दे कि अगर मेरे बस में होता, फैसला मैंने करना होता, तो जब तुम मुतालबा कर लो मैं फैसला कर देता, झगड़ा खत्म हो जाता। मेरे बस में नहीं है, ये उसके अपने बस में है, जिसकी मखलूक है, जिसने पैदा किया है और जिसने उनकी रहनुमाई फरमाई है, किताब नाजिल की है, रसूल मबूस फरमाए हैं, फैसला उसने करना है, किरदार तुम्हारा है, इंतखाब तुम्हारे पास है, तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं, वल्लाहु आलमु बिज़्ज़ालिमीन, कोई शख्स और उसकी कोई हरकत उस ज़ाते पाक से छुपी हुई नहीं है, न बची हुई है। वो हर एक की हर सोच, हर फिक्र, हर अमल को देख रहा है, जान रहा है। लिहाजा उसके मुताबिक और अपनी मर्जी से वो फैसला फरमाएगा। तुम ये भूल जाओ कि तुम कर रहे हो, बुराई कर रहे हो तो तुम्हारा बिगड़ा कुछ नहीं, तुम भूल रहे हो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ रहा है, तुम्हारे बोझ बढ़ रहे हैं। उलमा फरमाते हैं ना कि कश्ती में अगर कोई एक कंकड़ डाल देते तो कहता कश्ती को कुछ नहीं बिगड़ा, वो और कंकड़ डाल देता है लाके या कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर डालता रहेगा तो एक दिन वो सारे कंकर भी इतने जमा हो जाएंगे किश्ती डूब जाएगी। यही हाल गुनाह का होता है, जी मैंने गुनाह किया मेरा क्या बिगाड़ लिया किसी ने,
फरमाया करते रहोगे तो एक दिन सब कुछ बिगड़ भी जाएगा, और जब बिगड़ेगा फिर तुम्हारे बस में कुछ नहीं होगा। लिहाजा बर वक़्त फैसला करो, सोच समझ कर फैसला करो। इस्लाम को ऐसा दीन नहीं है कि कोई ऐसी फलासफी है जो समझ में आने वाली नहीं। इस्लाम बिल्कुल सीधा रास्ता है जिस पर अल्लाह करीम ने दलाइल दिए हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल दिए हैं। रोशन और वाज़े रास्ता है, इख्तियार करना तुम्हारे बस में। लेकिन जब फैसले का वक्त आ जाएगा, फिर फैसला होगा, फिर तुम्हें इख्तियार करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है जो आज हमारे अक्सरियत के ज़हनों में है कि भाई काफ़र तो मौज कर रहे हैं, दुनिया कुफर तो ऐश कर रही है, और बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आपसे किसने कहा दुनिया कुफर ऐश कर रही है? दुनिया कुफर के इतने मसाइल हैं और इतने मसाइल में फंसी हुई है कि उन्हें अब कोई हल नजर नहीं आ रहा। यूरोप हो, अमेरिका हो, स्कैंडिनेविया हो, फार ईस्ट हो, इतने मसाइल में उलझे हुए हैं, मौज भी कर रहे हैं कहाँ कहाँ। याद रखें जब तुलुए इस्लाम का लम्हा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, तो ये जो मगरबी अकवाम हैं इन्हें द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट कहते थे, वाशी वाशी मगरब, यानी मुअर्रख इनके नाम के साथ दो दफ़ा वाइल्ड वाइल्ड लिखता है। और यूरोपियन जो हैं इनको तारीख द केव मैन लिखती है, गारों में रहने वाले लोग, इन्हें कोठा कमरा बनाना नहीं आता। और पेरिस की गलियों में घुटनों घुटनों कीचड़ होता था जब बगदाद में पुख्ता सड़कें थीं। तब तक अमीर बगदाद ने फ्रांस के हुक्मरान को घड़ी भेजी थी, तो वहाँ से फिर वफद आया था कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताइए। ये तो दरिंदे थे, ये मौज कहाँ कर रहे हैं? जब इस्लाम रूए ज़मीन पे फैला तो उन्होंने नबुव्वत पर तो ईमान नहीं लाए, वो अकायद को तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने ताकीक की कि इन मुसलमानों के रवैयों में क्या तब्दीली है कि जहाँ ये जाते हैं, जिस मुल्क को फतह करते हैं, वो भी मुसलमान होना शुरू हो जाते हैं। उसे तो चाहिए इनके साथ दुश्मनी करे, वो इनका भाई बन जाता है। वहाँ से उन्होंने वो रवैये चुने कि ये बात सच्ची करते हैं, ये तजारत में बदयानती नहीं करते, ये लेन देन के खड़े हैं। वो चीज़ें उन्होंने अपनाने की कोशिश की इस्लामी फतूहात के बाद। ये तारीख में सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ाहिर सामने हैं। अब एक उसूल है फितरत का, हर काम के दो नतीजे होते हैं, एक फौरी जो दुनिया में होता है और एक जो आखरत में आएगा। दुनिया में जो नतीजा ज़ाहिर होता है उसके लिए कुफर इस्लाम शर्त नहीं। ठंडा पानी काफर को भी पिलाएं उसे भी अच्छा लगेगा, मोमन को भी पिलाएं उसे भी अच्छा लगेगा। अच्छी ग़िज़ा काफर को भी दें वो भी सेहतमंद होगा, मोमन को भी दें वो भी। जब आखरत में जाएंगे तो मोमन को अजर मिलेगा कि उसने पानी भी पिया और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा, काफर ने पानी तो पी लिया, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। मोमिन ने अच्छी ग़िज़ा खाई, पाकीज़ा ग़िज़ा खाई, सेहतमंद रहा, अल्लाह को याद किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। काफर ने शुक्र अदा नहीं किया, नाशुक्री के जुर्म में गिरफ्तार होगा। लेकिन दुनिया पे जो नतीजा है वो एक सा होगा। अब अगर काफर कारोबार में दयानतदारी करेगा तो उसके पास दौलत आएगी। काफर की अदालतें रिश्वत नहीं लेंगी और अपनी समझ के मुताबिक इंसाफ करेंगी तो उसके मुल्क में अमन आएगा। उखरवी नताएज अलग हैं, लेकिन मगरब को भी आप देख लीजिए, जहां जहां उन्होंने इस्लामी कानून को नहीं माना, मसलन मर्द औरत के ताल्लुकात और रिश्ते जो इस्लाम ने बनाए थे, उनका ये मुश्किल है, हम ये नहीं मानते। नहीं मानते तो आज उस जगह पहुंच चुके हैं जहां खुद वो उसकी इस्लाह नहीं कर सकते।
आज वो खुद इस बात को मानते हैं कि अब हम अपनी खातून को खातून खाना नहीं बना सकते, हम वापस नहीं ला सकते। बाप बेटी को कुछ नहीं कह सकता, भाई बहन को नहीं रोक सकता, कोई माशरे में इज्जत आबरू रोक टोक कुछ भी नहीं। हलाल हराम को उन्होंने नहीं माना, इस्लाम के अलाम हराम को। आज क्या खा रहे हैं? कीचवे, चूहे, मेंढकें, सांप, बिच्छू, बंदर, खंजीर, ये इंसानों के खाने की चीजें क्यों खा रहे हैं? इस्लाम को नहीं माना। मईशत में उन्होंने इस्लाम को नहीं माना, उन्होंने कहा हम सूद चलाएंगे। आज भी मगरबी दुनिया में भी, बरतानिया हो, यूरोप हो, स्कैंडिनेविया हो, या अमेरिका हो, या फार ईस्ट हो, वहाँ अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। आज भी लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक आप रात को फिरें सड़कों पर तो बेशुमार लोग आपको फुटपाथ पे लेटे नजर आएंगे। बरतानिया के सख्त सर्द मौसम में पुलों के नीचे रात गुजारते हुए बंदे मिलते हैं। नाशिना हमारी वहाँ भी वैसी जा रही, यानी जहाँ जहाँ उन्होंने इस्लाम को नहीं माना वो जलील तर हैं वहाँ, और जहाँ जहाँ उनका काम दुनियावी एतबार से चल रहा है वहाँ उन्होंने उसूल इस्लाम के अपनाए। अब तजारती उसूल को एक ही देख लीजिए कि बरतानिया में एक चीज़ आपने ख़रीदी, चीज़ें डिस्प्ले पे पड़ी होती हैं, दिखाने के लिए पड़ी होती हैं, ये कोट है, ये टाई है, ये बूट है, ये वो है, आपने एक पसंद किया, वो पैक आपको ला के दे देते, आप घर पहुँच गए, खोला तो उसमें कोई सिलाई उधड़ी हुई थी या कोई नक्श था, आपने फ़ोन किया अभी मैंने आपकी दुकान से फला चीज़ ख़रीदी थी, ये रसीद नंबर है, उसमें ये नक्श है। उनका बंदा आएगा, उनकी गाड़ी आएगी, दूसरी चीज़ ठीक ठाक दे जाएंगे, अपनी गलत चीज़ वापस ले जाएंगे। हमारा कारोबारी असूल क्या है? दुकानदार रसीद काट के देता है, पीछे लिखा हुआ होता है ख़रीदी हुई चीज़ वापस ना होगी, वो ठीक है या गलत है जाओ, फिर फ़ायदा माली किसको होगा? उनकी अदालतें तो बहुत बड़ी बात है। ये जो पहला वज़ीर आज़म था जिसे इन्होंने हटा के गोल्डन ब्राउन को बनाया, पता नहीं टोनी ब्लेयर, तो बरतानिया में एक कानून है कि नाबालिग बच्चा अगर शराब पिएगा तो कई दिन तक उसे पुलिस वाले अपनी जे उसमें हवालात में कैद कर सकते हैं कि ये दस दिन तक गालिबन है, दो दिन कैद रहेगा, तीन दिन कैद रहेगा। टोनी ब्लेयर वज़ीरे आज़म था, उसके बेटे ने शराब पी हुई थी, सड़क पर पुलिस ने पकड़ लिया, वो नाबालिग था, उन्होंने थाने की अवलात में बंद कर दिया, तीन दिन बंद रहेगा। वज़ीरे आज़म ने भी चौथे दिन जाके बच्चा निकलवाया, तीन दिन कैद पूरी करने के बाद तो अमन तो होगा। यहाँ क्या है? थाने से लेकर अदालतें तक बिक रही हैं, तो अमन कैसे होगा? तो मेरे भाई ये सवाल ही नामाकूल है कि काफर आराम में, आराम में नहीं है। हाँ थोड़ा सा उन्हें सांस आ जाता है जहाँ वो दुनियावी तौर पर इस्लामी अहकाम को अपना रहे हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द ज़िल्लहुल आली दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में सालहा साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया उवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं।
हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दर्सगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में दो मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।